नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कन्नौज। कन्नौज जिले के ठटिया थाना क्षेत्र में आए विनाशकारी तूफान से तबाह हुए लोगों का दर्द बांटने के लिए सपा नेताओं ने गांव-गांव जाकर नुकसान का आकलन किया। मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। इसके बाद तहसील पहुंचे सपा नेताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपकर मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख व घायलों को 2-2 लाख रुपया देने की मांग की। आपको बता दें, शनिवार की दोपहर तेज बारिश के साथ आए विनाशकारी तूफान ने ठटिया थाना क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, दर्जनों घायल हो गए हैं। सैकड़ों पशु पक्षी मौत के काल के गाल में समा गए थे। तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, मकान ध्वस्त हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव सपाइयों के साथ साथ गाँव जाकर पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द बांटा। इसके बाद तहसील पहुंचे ब्लॉक प्रमुख श्री यादव ने उप जिला अधिकारी जयकरल को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से मांग की कि वह मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख व घायलों को 2-2 लाख रुपया बतौर मुआवजा दें। किस प्रकार का ज्ञापन था? ये जो ठटिया क्षेत्र में बड़ा तूफान आया, जिसमें फसल तो नामो निशान मिट गया, मक्का की हो, तरबूज की हो, खरबूजा की या उड़द में, आपको लगे ही नहीं यहाँ फसल थी। लेकिन वृक्ष उखड़ गए, अभी तक कोई लेखपात गांव में मैं गया, मैंने देखा, SDM साहब तो गए, DM साहब भी दौड़े, लेकिन गांव में लेखपाल नहीं, लेखपाल रिपोर्ट देता है, लेखपाल को फुर्सत नहीं मिली जो लेखपाल पहुंच जाता। जानवर मर गए हैं, लोग घायल हैं। हमारी मांग है जो मृतक 7 लोग हैं उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। बिजली अति शीघ्र, कोई बीमार है, मोबाइल चार्ज तक नहीं हो पा रहे हैं, बिजली व्यवस्था को तुरंत ठीक कराया जाए और फसल का मुआवजा दिया जाए, घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएं। KCC कार्ड है, जो KCC है उस लोन को माफ किया जाए और फसलों का मुआवजा दिया जाए। और बिजली व्यवस्था अत्यंत जो खराब हो गई है, उसका ढीला बाली हो रही है, उसे शीघ्र शुरू किया जाए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।